सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी और बहुत खुश होगी। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ग्रीन मैजिकल हेयर ऑयल, जिसे हम बनाने वाले हैं विटामिन ई के कैप्सूल के साथ। इस टॉपिक को लेकर काफ़ी सारे डीएम और काफ़ी सारे कॉमेंट आपके कि हमारे साथ कोई अच्छा सा हेयर ग्रोथ ऑयल शेयर कर दे, जिसमें हमें कुछ झंझट ना हो और बनाना बहुत आसान हो और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। आप अपने बालों को लंबा करना चाहती हैं, घना करना चाहती हैं, या फिर लॉन्ग टाइम तक आप अपने बालों को काला बनाए रखना चाहती हैं, तो उसके लिए ये ग्रीन मैजिकल ऑयल का आप सब इस्तेमाल ज़रूर करना। तो आज का मेरा ये वीडियो अगर मेरी फैमिली को पसंद आता है तो मेक श्योर कि मेरी फैमिली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगी और अपना ढेर सारा प्यार इस वीडियो को ज़रूर देगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये ग्रीन मैजिकल हेयर ऑयल हमें किस तरह से बनाना है। तो इस ग्रीन ऑयल को बनाने के लिए गाइस जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो अपने आप में ही एक मैजिक का काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ऑलमंड ऑयल, यानी बादाम का तेल, ठीक है। बादाम के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही साथ इसके इस्तेमाल से हमारी स्प्लिट्स एंड्स की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं या फिर दो मुँहें होकर फटने लगे हैं या फिर टूटने और झड़ने लगे, तो ये उनको मजबूती देता है, एक रिपेयरिंग की तरह काम करता है। तो हम यहाँ पे 2 टीस्पून ऑलमंड ऑयल ले लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे वो है जैतून का तेल, यानी ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल में पाया जाने वाला ऑलियोरुपिन नामक तत्व जो होता है गाइज, वो हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से प्रमोट करता है, यानी इसके इस्तेमाल से हमारे बाल थिक एंड लॉन्ग बनते हैं। अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहती हैं, स्पेशली अगर आपको अपने बालों को लंबा करने का शौक है, तो उसके लिए आप जैतून का तेल का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ या इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी ख़त्म करता है, ठीक है। तो 2 टीस्पून ही हमें ले लेना है ऑलिव ऑयल की। नेक्स्ट जो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे गाइस वो है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो है तिल का तेल। मैंने इतना सारा इसको यूज कर लिया है, थोड़ा सा ही बचा है। तो तिल का तेल जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं गाइस, इसमें भरपूर मात्रा में फैटी एसिड, मिनरल्स, विटामिन और ना जाने कितने ऐसे खजाने मौजूद हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ से लेके हमारे बालों की ड्राइनेस और रफनेस को खत्म करता है। ये हमारे बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाता है। इसके अलावा बालों को लंबा और घना करने के लिए और जड़ से मजबूती देने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करना बेहद मुफीद है, कि हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, ठीक है। और इसके इस्तेमाल से हमारे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं, हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देता है, और थिक एंड लॉन्ग बालों की चाहत रखने वालों के लिए तिल का तेल बेमिसाल काम करता है, एक मैजिक की तरह काम करता है। तो 2 टीस्पून ही हमने इसमें तिल का तेल ऐड कर लिया है। अब इसके बाद जो गाइस हम नेक्स्ट इसमें ऐड करने वाले हैं वो है आंवला तेल, यानी जो गूसबेरी होती हैं, आंवला होता है उसका तेल हम डालेंगे इसमें। यहाँ पे मैं जो तेल इस्तेमाल कर रही हूँ डाबर आंवले का। अगर आपके पास होममेड कोई आंवला तेल है तो वो इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं गाइस। आंवला जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन सी से भरपूर होता है, गुणों का भंडार है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही खास तरीके से वर्णन किया गया है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है गाइस, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसके लगातार इस्तेमाल से अगर आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, गंजपन की शिकायत है, या फिर जगह जगह आपको बॉल्डनेस या पैचनेस नजर आने लगी अपने बालों के ऊपर, तो नए बाल उगाने में भी ये मदद करता है, ठीक है। तो हमें कितना ले लेना है, ये 20 रुपीज की बॉटल मैंने खरीदी थी गाइस, इसको आपको पूरा इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब इस मैजिकल ऑयल में गाइस नेक्स्ट हम बहुत ही खास इंग्रेडिएंट ऐड कर देने वाले हैं, वो है विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन ई के कैप्सूल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये ना सिर्फ हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बल्कि गाइस ये हमारे बालों को सिल्की, शाइनी, घना और लंबा बनाने में भी बहुत ज्यादा मददगार है। और इसके अलावा अगर हमें किसी भी तरह का टेंशन या तनाव है तो ये उसको भी खत्म करता है, बालों की जड़ों को मजबूती देता है, स्कैल्प को नरिशमेंट देता है। उसके साथ ही साथ आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी हम विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 विटामिन ई के कैप्सूल ले लिए हैं और इनको हम खोलकर इसका ऑयल जो है इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 5ों कैप्सूल का जो ऑयल था मैंने इस हेयर ऑयल में ऐड कर दिया है गाइस। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, स्पून की हेल्प से इस तरह से उठाते हुए जब आप मिक्स करेंगे तो जो विटामिन ई ऑयल है वो अच्छी तरह से इस
तेल के अंदर मिक्स हो जाएगा। सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अमेजिंग है गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आपको जो भी कंटेनर या बॉटल जिसमें भी आप इसे स्टोर करना चाहती हैं, इस ऑयल को हम उसके अंदर प्लेस कर देंगे गाइस। और ये देखें आप, एक मैजिकल ग्रीन हमारा ऑयल बनकर तैयार है। अब इसमें एक खास चीज हमें और ऐड कर देनी है, वो है कलौंजी। ठीक है, कलौंजी हर चीज़ की शिफा है इसके अंदर गाइस। सबसे पहले मैं बता दूं कलौंजी के बारे में कि कलौंजी एक छोटे जो काले दाने होते हैं, ये भरपूर होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से। इसमें हर वो शिफा मौजूद है गाइस जो कि हम अपनी हेल्थ से लेकर, स्किन से लेकर, बालों तक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दाने होते हैं छोटे छोटे, ये जो कलौंजी है ना, ये बेमिसाल है, मैजिक की तरह काम करती है हमारे बालों के ऊपर, बालों को काला, लंबा और घना बनाने के लिए। इसके अलावा लॉन्ग टाइम तक अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल जल्दी से सफ़ेद ना हो, तो उसमें भी आप कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो एक चम्मच कलौंजी हमने इस ऑयल में ऐड कर दी है गाइस। अब हम बॉटल को बंद कर देंगे, ठीक है, और इसको एक दिन के लिए यानी ओवरनाइट आपको इसी तरह से छोड़ देना है। अब इस ऑयल को गाइस हमें किस तरह से लगाना है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एक खाली बाउल में उतना ऑयल ले लें जितना कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ है, यानी अपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से आपको ये ऑयल लेना है। और डायरेक्ट आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, हल्का सा हम डबल बॉयलर की हेल्प से इसको गर्म करेंगे। डायरेक्ट हीट के ज़रिए आप इसको गर्म ना करें, डबल बॉयलर की हेल्प से आप इसको गर्म करने के बाद ही अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करेंगी। ठीक है, एप्लीकेशन का तरीका ये है कि छोटी छोटी सी पार्टिंग करते जाएं आप अपने बालों में, और इस तेल को अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि बालों की जड़ों से ही हमारे स्कैल्प को पोषण मिलता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूती मिलती है, और जब ये ऑयल हमारे बालों की जड़ों में जाता है तो ये अपना वर्क करता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको सबसे पहले अपने बालों की जड़ों में एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद अगर आपको स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम है तो बालों के एंड्स पे ज़रूर लगाएं, जहाँ पे आपकी नोकें फटी हुई हैं वहाँ पे भी इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद पूरी लेंथ के ऊपर आप इस ऑयल को लगा लेंगी। ये याद रखें कि बालों की जड़ों में अच्छी तरह से ये ऑयल पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। इसके बाद आप अपने बालों की लेंथ के ऊपर लगाएं, क्योंकि गाइस इस तेल का जो खासियत है, ये आपके बालों को रेशमी और मुलायम भी बनाता है, और बहुत ज़्यादा चमक भी आपके बालों पर पैदा हो जाती है इस तेल को लगाने से ही। ठीक है, तो हमने देखे इस तरह से मैंने एक एक जड़ में बहुत अच्छी तरह से ये ऑयल लगा लिया है गाइस। अब इसको आपको ओवरनाइट इसी तरह से छोड़ देना है। आप इसको वॉश नहीं करेंगी, मॉर्निंग में आप किसी माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लें। तो इस ग्रीन मैजिकल हेयर ऑयल को गाइस आपको अल्टरनेट डेज इस्तेमाल करना है, नाइट में ही इसे अप्लाई करेंगी आप। जब आप नाइट में इस ऑयल को लगाकर बालों के ऊपर छोड़ देती हैं, ओवरनाइट ये ऑयल आपके बालों पे लगा रहता है, तो वो आपके बालों पे अच्छी तरह से वर्क कर पाता है, क्योंकि रात के वक्त ना हमारा स्कैल्प भी नरिश हो जाता है उससे, और जो इस तेल की खासियत है वो हमारे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से समा जाती है, और ये तेल जो है बहुत तेजी के साथ अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको इस ऑयल को नेट डेज इस्तेमाल करना है। कितने दिन तक स्टोर कर सकती है इसको आप 20-30 डेज के लिए आराम से स्टोर करके रख सकती हैं, ये आपका ख़राब भी नहीं होगा। हमेशा माइल्ड शैम्पू का ही इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि वो केमिकल फ्री होता है, पैराबीन फ्री होता है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैंने वो वीडियो नीचे देख दिया है कि आपको कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल आइकन। जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। किसी अच्छे से ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप के साथ फिर से मुलाकात होती है एक नए से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।